Hello students, I am Raman Shetty and we are going to start chapter number 2, that is acid, base and salt of 10th class science. So let's start our chapter. This is the first video of our this chapter for the chapter acid, base and salt. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एसिड्स और बेस होते क्या हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको टेबल की फॉर्म में लिख लिया है, तो इससे आपको एसिड और बेस के बारे में इंट्रोडक्शन भी मिल जाएगा और एसिड और बेस का डिफरेंस भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम एसिड और बेस को जनरली हम अपनी टेस्ट से फाइंड कर सकते हैं। तो टेस्ट की बात करें अगर, तो एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है। एसिड जो है टेस्ट में सोर टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं, और जो बेस होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं। बिटर मतलब कड़वे होते हैं, और उनको जब हम अपने हाथ पर रख के मसलते हैं तो हमें कैसे फील होता है, वो सोपी एंड स्लिपरी, मतलब साबुन जैसे फील होता है कि जैसे साबुन को अपने हाथ पर रख के स्लिपरी फील होती है, वो उसी तरह से ये बेसिस जो स्लिपरी फील होते हैं हमें। उसके अलावा जो एसिड होते हैं वो व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। जब एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व कराया जाता है तो उनमें हाइड्रोजन आयन बनते हैं, क्योंकि जितने भी एसिड होते हैं उन सबके अंदर एच प्लस आयन जो है कॉमन होते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका फॉर्मूला की हम अगर बात करें तो एच सी एल उसका फॉर्मूला लिखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला अगर हम लिखें तो एच टू एस ओ फोर। तो इसी तरह से नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला एच एन ओ थ्री। तो जितने भी एसिड होंगे सबके अंदर जब उनको वाटर में डिजोल्व कराएंगे तो वो आयोनाइज हो जाएंगे। आयोनाइज होने का मतलब कि वो एक एसिड जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं, और आयनिक कंपाउंड को जब वाटर में डिजोल्व करवाया जाता है तो उनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स यानी कि कैटायन और एनायन जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो एसिड के अंदर जितने भी एसिड होंगे सबके अंदर एच प्लस आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन जरूर बनते हैं। और इसी तरह से जो बेस होते हैं, बेस को वाटर में डिसॉल्व कराएं तो वो भी आयनाइज हो सकते हैं। तो वो आयनाइज होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं, दैट इज OH नेगेटिव आयन बनाते हैं। अभी OH नेगेटिव आयन क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बोला जाता है इनको, क्योंकि जो बेस होते हैं बेस का फॉर्मूला क्या होता है, मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला देखें, उसका फॉर्मूला होगा NaOH के फॉर्मूले में लास्ट में OH आ जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला MgOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH ट्वाइस। तो ये सर जितने मैंने नाम बोले, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या थे, बेस थे जिनके फॉर्मूले के अंदर OH आ रहा था। तो जब उनको वाटर में डिसॉल्व कराएंगे बेसिस को, तो वाटर में डिसॉल्व कराने के बाद उनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन यानी कैटायन और एनायन अलग अलग हो जाएंगे। तो जिसमें जितने भी बेस होंगे सबके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन जो है कॉमनली निकल कर आएंगे, ठीक है। तो बेस के सेकंड प्रॉपर्टी। देन थर्ड वाला कि जो एसिड्स हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। जो लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है जो एसिड को और बेस को अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है। तो जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह से जो बेस है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि पीएच वैल्यू की अगर बात करें तो पीएच का मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसके बारे में डिटेल में आपको अभी जैसे आप चैप्टर करोगे तो उसके बाद बीच में आएगा, लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ एक वैल्यू याद कर लो कि एसिड की जो पीएच वैल्यू होती है वो लेस देन 7 होती है हमेशा, और जितने भी बेस होते हैं सबकी पीएच वैल्यू हमेशा मोर देन 7 होती है। तो उसके अलावा एसिड और बेस के एग्जाम्पल्स की बात करें, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे नहीं, आपको बोल के बता देता हूँ कि एसिड के एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, उसके अलावा मैलिक एसिड, टैनिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, तो ये सारे अलग अलग एसिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। और बेस के एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सारे अलग अलग बेसिस के एग्जाम्पल्स हैं। तो अब कुछ मैं प्रॉपर्टी बताई है कि जो एसिड हूं या बेस हूं, एसिड और बेस दोनों ही क्रोसिव नेचर के होते हैं। क्रोसिव मतलब चीजों को जला देते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिसको जो हमारी बॉडी पे गिर जाए तो हमारी बॉडी को जला देंगे, किसी कपड़े पे गिर गए, पेपर पे गिर गए तो उस पेपर को कपड़े को जला देंगे। तो एसिड और बेस होते हैं वो क्रोसिव नेचर के होते हैं दोनों ही, एसिड भी और बेस भी। तो ये क्रोसिव नेचर के होते हैं, इसलिए एसिड और बेस का हमने टेस्ट के बारे में बता तो लिया कि एसिड सोर टेस्ट के होते हैं और बेस बीटर टेस्ट के होते हैं, लेकिन कभी भी उनको एसिड और बेस को चेक करने के लिए टेस्ट करने मत बैठ जाना, क्योंकि वो क्रोसिव होते हैं। जैसे हम अपने माउथ के अंदर रखेंगे, टंग पे रखेंगे, तो हमारी टंग को जला देंगे, इसलिए इनको टेस्ट करके नहीं चेक करना एसिड और बेस को। तो इसको हम लिटमस पेपर से या किसी और सुटेबल इंडिकेटर का यूज करके चेक करेंगे। तो जितने भी वाटर सोल्युबल बेस होते हैं उन वाटर सोल्युबल बेसिस को हम क्या बोला जाता है, अल्कलीज बोलते हैं। वाटर सोल्युबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज, ठीक है। देन अब हमारा टॉपिक है एसिड बेस इंडिकेटर। चाहे एसिड बेस इंडिकेटर बोलो या अकेला इंडिकेटर बोलो एक ही बात है। तो एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं,
कि वो सब्सटेंसेस जो हमें एसिड और बेस को अलग अलग आइडेंटिफाई करने में हेल्प करें, कि हमने अभी ऊपर बोला था कि एसिड और बेस को हम टेस्ट करके नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि वो क्रोसिव नेचर के होते हैं, तो एसिड सोर होते हैं बेस बिटर होते हैं, तो ये चीज तो हमारे पास कोई लेना देना नहीं है क्योंकि एसिड और बेस को हम टेस्ट करके फाइंड नहीं चेक नहीं करेंगे क्योंकि वो क्रोसिव नेचर करते हैं। तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, एसिड बेस इंडिकेटर नाम का ही एक कुछ केमिकल्स आते हैं तो उनका यूज करेंगे जो हमें एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प करेंगे। तो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कैसे करवाते हैं एसिड बेस इंडिकेटर, दे कैन चेंज देयर कलर और चेंज देयर स्मेल। तो एसिड जो होते हैं वो सॉरी जो एसिड बेस इंडिकेटर जो होते हैं उनको एसिड में डालेंगे तो वो अपना कलर अलग शो करते हैं, बेस में अलग कलर शो करते हैं या फिर अपनी स्मेल को चेंज कर देते हैं। मतलब एसिड बेस इंडिकेटर आर दो सब्सटेंसेस विच कैन चेंज देयर कलर और चेंज देयर स्मेल इन एसिड एंड बेसिस डिफरेंटली एंड हेल्प अस टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेसिस। ओके, तो अब जो एसिड बेस इंडिकेटर जो होते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं, अलग अलग तरह के एसिड बेस इंडिकेटर मार्केट में अवेलेबल हैं। तो एसिड बेस इंडिकेटर दो तरह के मेनली डिवाइड किए जाते हैं, एक एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं जिनको जो नेचुरल सब्सटेंसेस का यूज करके बनते हैं उनको नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं, और दूसरे सिंथेटिक या मैन मेड इंडिकेटर्स। तो जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं उनके एग्जांपल्स टर्मरिक, लिटमस सॉल्यूशन, रेड कैबेज जूस, तो ये सारे जो मैंने फर्स्ट फाइव जो लिखे हैं ये सारे क्या हैं, ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं सारे। उसके अलावा नेचुरल इंडिकेटर्स की एग्जांपल हैं कि टर्मरिक को हम एसिड एज ए नेचुरल इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, लिटमस को यूज कर सकते हैं, लिटमस का सॉल्यूशन भी मिलता है, लिटमस पेपर की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, और रेड कैबेज यूज। इसके अलावा एक चाइना रोज इंडिकेटर आता है उसका भी यूज कर सकते हैं, वो मेरे नाम यहाँ पे लिखा नहीं फिलहाल। उसके अलावा कुछ फ्लावर्स हैं जिनके कलर्ड पैटर्न्स मतलब जो कलर्ड पत्तियां होती हैं उनका भी यूज किया जा सकता है एज ए इंडिकेटर। तो कौन कौन से फ्लावर हैं जैसे कि हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एंड जेरेनियम, तो ये भी नेचुरल इंडिकेटर्स की कैटेगरी में आते हैं कि इनके कलर्ड पत्तियों का यूज कर सकते हैं हम एज ए इंडिकेटर। तो ठीक है जी, उसके अलावा सिंथेटिक इंडिकेटर्स या मैन मेड इंडिकेटर क्या होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाएंगे, केमिकल्स का यूज करके बनाए जाते हैं, तो जैसे कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोल फ्लोरीन जो मैंने लास्ट में लिखे हैं ये क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। तो अब मैंने टेबल बना रखी है, इस टेबल में क्या शो किया है कि जो इंडिकेटर का नाम क्या है, वो इंडिकेटर का न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर क्या कलर होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो कलर होगा वही उस इंडिकेटर का एक्चुअल कलर होगा, कि जो इंडिकेटर का एक्चुअल कलर है न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब ना वो एसिड हो ना वो बेस हो, तो जो सॉल्यूशन ना एसिड होगा ना बेस होगा उसको न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं। जितने भी इंडिकेटर होंगे वो न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर अपना नेचुरल कलर चेंज नहीं करते, अपना कलर एज इट इज रखते हैं, कलर उनका चेंज नहीं होगा। लेकिन जो एसिड है एसिड के अंदर और बेस के अंदर जो है इंडिकेटर का जो नेचुरल कलर है वो चेंज हो जाता है। तो वो टेबल में हमें शो कर रखा है मैंने आपको कि एसिड में और बेस में कलर क्या क्या आएगा। जैसे सबसे पहले टर्मरिक की बात करें, टर्मरिक मतलब हल्दी, जो टर्मरिक होती है वो येलो कलर की होती है नेचुरली, तो उसका न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर जो अगर वो सॉल्यूशन हमारे पास ऐसा हो जिसका ना तो ना वो एसिड हो ना बेस हो, तो उसके अंदर टर्मरिक डालने पर उसका कलर क्या आएगा, येलो का येलो रहेगा। इसी तरह से जो एसिड होते हैं एसिड के अंदर टर्मरिक को हम डालेंगे तो भी कलर येलो रहेगा, मतलब जो टर्मरिक है ना तो न्यूट्रल और एसिड के अंदर आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। लेकिन जो बेस होते हैं बेस के अंदर जब अगर टर्मरिक डालेंगे तो बेस के अंदर एसिड टर्मरिक का कलर येलो से चेंज होके रेड हो जाएगा। तो यानी कि जो टर्मरिक है वो हमें सिर्फ बेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, एसिड और न्यूट्रल के बीच में आइडेंटिफाई नहीं करवा पाती। तो टर्मरिक इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है कि जो कई बार हमारे व्हाइट कपड़ों के ऊपर सब्जी के दाग लग जाते हैं तो उसके अंदर जो टर्मरिक होती है टर्मरिक की वजह से उसका कलर येलो येलो सा हो जाता है हमारे कपड़ों का। लेकिन जब हम उसको साबुन से साफ करते हैं तो साफ करने के बाद उस दाग का कलर गायब होने की बजाय रेड कलर हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि उस दाग के अंदर टर्मरिक थी हल्दी थी, और जो कि जो सोप होती है सोप के अंदर बेस होते हैं तो बेस के साथ मिलके वो टर्मरिक का कलर रेड हो जाता है। तो इसी तरह से जो सेकेंड इंडिकेटर है लिटमस, अब लिटमस क्या चीज है, एक लाइकन नाम के प्लांट्स होते हैं उन लाइकन नाम के प्लांट्स की रस निकालकर बनाए जाते हैं लिटमस सॉल्यूशन बनता है। वो लिटमस सॉल्यूशन का जो नेचुरल कलर होता है वो पर्पल कलर होता है, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर भी अगर लिटमस सॉल्यूशन को डालेंगे
तो उसका कलर पर्पल का पर्पल ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन जब उस पर्पल कलर के लिटमस सॉल्यूशन को अगर हम एसिड में डालेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा और बेस में ब्लू हो जाएगा। इसी तरह से जो लिटमस सॉल्यूशन है, लिटमस एक तो सॉल्यूशन की फॉर्म में अवेलेबल है जो कि पर्पल कलर का होगा। सॉल्यूशन अगर हमने यूज नहीं करना तो उसके अलावा हमारे पास लिटमस की पेपर की स्ट्रिप्स भी आती है, छोटी छोटी पेपर की स्ट्रिप्स होती है जो दो अलग अलग कलर में मिलती है, एक रेड कलर में और एक ब्लू कलर में। जो रेड कलर का लिटमस पेपर होगा वो न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालने पर तो रेड का रेड ही रहेगा, लेकिन बेस के अंदर एसिड के अंदर जब डालेंगे तब भी उसका कलर रेड होगा, मतलब एसिड में वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही उसको बेस में डालेंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा था कि जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। अभी हम रेड लिटमस पेपर की बात कर रहे हैं तो रेड लिटमस पेपर ने अपना कलर रेड से ब्लू में कब कन्वर्ट किया, जब बेस में डाला, तो ये प्रॉपर्टी हमने सही लिखी थी। उसके बाद हमने ब्लू लिटमस पेपर की फॉर्म में भी लिटमस पेपर मिलता है, तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर नेचुरल कलर ब्लू होता है, तो एसिड में न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, लेकिन जब उसको एसिड में डालेंगे तो एसिड में डालने पे उसका कलर ब्लू से रेड हो जाएगा, लेकिन बेस के अंदर ब्लू का ब्लू ही रहेगा। तो यानी कि रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर इन दोनों का इकट्ठा यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं कि कोई चीज एसिड है बेस है। अगर कोई चीज एसिड हुई तो वो क्या करेगी, ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड में कन्वर्ट कर देगी, और बेस हुआ तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा सॉल्यूशन। इसी तरह से हमारे पास एक रेड कैबेज से नाम से जो है, जो कि रेड कैबेज आपने देखी होगी, तो उस रेड कैबेज को आपने, रेड कैबेज का जो कलर होता है नेचुरल कलर जो होता है वो पर्पल कलर होता है, तो उसका जो जूस बनेगा वो पर्पल कलर का बनेगा। जिसको हम न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे तो पर्पल का पर्पल ही रहेगा, कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन जो उस पर्पल कलर के रेड कैबेज जूस को हम किसी एसिड में डालेंगे तो एसिड में डालने पे उसका कलर जो है, इंडिकेटर का जो कलर है वो रेड या पिंक कलर का हो जाएगा, और जो बेस में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। तो यानी कि रेड कैबेज जूस हमें एसिड और बेस दोनों को आइडेंटिफाई करवा सकती है, दोनों के अंदर अपना कलर चेंज कर रही है। ये तो हो गया हमारे नेचुरल इंडिकेटर की बात। उसके अलावा हमारे पास दो सिंथेटिक इंडिकेटर मैंने बताए थे आपको, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल पथलीन। अब मिथाइल ऑरेंज का जो नेचुरल कलर होता है वो ऑरेंज कलर होता है, तो जब उसको न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो ऑरेंज का ऑरेंज ही रहेगा, लेकिन जब उसको किसी एसिड में डालेंगे तो वो ऑरेंज से कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा, और बेस में डालने पर उसका कलर ऑरेंज से चेंज होकर येलो हो जाएगा। तो वो एसिड में भी अपना कलर चेंज कर रहा है और बेस में भी अपना कलर चेंज कर रहा है। इसका मतलब कि जो मिथाइल ऑरेंज है, आई मीन दोनों तरह के सॉल्यूशन को, एसिड और बेस दोनों सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है। इसी तरह से फिनोल पथलीन इंडिकेटर है, तो फिनोल पथलीन ये भी सिंथेटिक इंडिकेटर है जो कि नेचुरली कलरलेस होता है। उसका न्यूट्रल सॉल्यूशन में जब उसको डालोगे तो वो कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा, एसिड में डालोगे तब भी कलरलेस रहेगा, लेकिन बेस में डालोगे तो उसका कलर कलरलेस से चेंज होकर पिंक हो जाएगा। यानी कि जो फिनोल पथलीन इंडिकेटर है वो हमें सिर्फ बेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, एसिड और बेस को अलग अलग आइडेंटिफाई, सॉरी एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन को अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं करवा सकता। तो इस तरह से हमने अलग अलग इंडिकेटर्स पढ़ लिए कि वो कैसे कैसे यूज किए जा सकते हैं एसिड और बेस में। तो अगर हमें ये उनके कलर्स की पहचान होगी तभी हम फाइंड कर सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है। तो इनमें से कुछ इंडिकेटर मैंने आपको ऐसे बताए जो सिर्फ बेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, लेकिन कुछ इंडिकेटर ऐसे भी हैं हमारे पास जो एसिड और बेस दोनों को आइडेंटिफाई करवा सकते हैं, दोनों के अंदर अपना कलर चेंज करते हैं। तो जो भी आपके पास इंडिकेटर अवेलेबल हो आपकी स्कूल लैब में, तो आप उस इंडिकेटर का यूज करके जो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब ये तो जितने भी मैंने आपको इस टेबल के अंदर इंडिकेटर बताए वो सारे क्या इंडिकेटर थे, कैसे इंडिकेटर थे, जो अपना कलर चेंज कर रहे थे एसिड और बेस में डालने पर। लेकिन कुछ इंडिकेटर ऐसे भी होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो अपनी स्मेल भी चेंज कर सकते हैं, स्मेल बोलो या ऑडोर बोलो एक ही बात है, कि वो इंडिकेटर जो अपनी ऑडोर या स्मेल चेंज कर लेते हैं एसिड या बेस में डालने पर, उनको ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोला जाता है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स विच कैन चेंज देयर स्मेल इन एसिड्स एंड बेस। तो एसिड बेस इंडिकेटर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर जो है वो तीन तरह के बताए गए हैं आपको, एक ऑनियन एक्सट्रैक्ट, एक वनीला एक्सट्रैक्ट, एक क्लब ऑयल। ऑनियन एक्सट्रैक्ट ऑनियन का यूज करके लाया जाएगा, वनीला एक्सट्रैक्ट जो वनीला फ्लेवर मिलता है हमें मार्केट में आइसक्रीम्स वगैरह में होता है तो उसका यूज करके बनाया जाएगा, और क्लब ऑयल, क्लब का तेल लौंग, लौंग का तेल, इसका यूज भी हम कर सकते हैं एज ए ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो तीनों इंडिकेटर क्या करते हैं, अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं जब उनको एसिड या बेस में डाला जाता है। तो उनको कैसे यूज करेंगे, जब इस इंडिकेटर को एसिड में डालेंगे तो उस एसिड में इस इंडिकेटर की जो नेचुरल स्मेल जो है, ऑनियन की जो स्मेल है, वनीला की जो स्मेल है, क्लब ऑयल की जो भी स्मेल है, जो उनकी नेचुरल स्मेल है वो
एसिड के अंदर तो सेम ही रहेगी, एसिड के अंदर उनकी स्मेल चेंज नहीं होगी, लेकिन जो बेस में डालने पर उनकी स्मेल जो है चेंज हो जाएगी, उनकी स्मेल डिसअपियर हो जाएगी, बट डिसअपियर इन बेसिस। फैक्टरी इंडिकेटर बेस में अपनी स्मेल को खत्म कर देते हैं और एसिड के अंदर स्मेल को एज इट इज रखते हैं, और इसी तरह से न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी उनकी स्मेल एज इट इज रहेगी। तो इनकी जो फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं वो बेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, एसिड और बेस में हमारे पास डिफरेंस पता चल गया, एसिड और बेस के एग्जाम्पल्स मैंने आपको बोलकर बताए थे। उसके अलावा एसिड और बेस दोनों क्रोसिव नेचर के होते हैं, वाटर सोल्युबल एसिड को अल्कली, वाटर सोल्युबल बेस को अल्कली बोला जाता है। एसिड बेस इंडिकेटर वो सब्सटेंस हैं जो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं बाय चेंजिंग देयर कलर और बाय चेंजिंग देयर स्मेल। उसके अलावा इस टेबल के अंदर हमने अलग अलग तरह के जो इंडिकेटर्स पढ़े जो कि अपना कलर चेंज करते हैं और ये इंडिकेटर जो अपनी स्मेल चेंज करते हैं जिनको इंडिकेटर से बोला जाता है। तो आज का टॉपिक हम यही फिनिश करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।